नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुरु के प्री मैच एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट गुरु जाना जाता है अपनी फैंस की नज़रों में सटीक मौकों में सटीक एनालिसिस और प्रिडिक्शन दिखाने के लिए। और अगर आपको ऐसी रोमांचक क्रिकेट खबरों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। टूर्नामेंट के 29वें मैच में वेस्ट इंडीज़ का सामना होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में। न्यूजीलैंड टीम नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ हुए मैचेस में हार के बाद वेस्ट इंडीज़ जैसी काबिल टीम को अपनी खामियों का अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर वो धैर्य के साथ ये मैच में हिस्सा लेंगे तो वो न्यूजीलैंड को टक्कर देने की पूरी काबिलियत रखते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ हुए मैच में केन विलियमसन ने अपनी क्लास का प्रदर्शन किया था। अगर बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज़ के बॉलर्स 41 ओवर्स में 315 का लक्ष्य गंवा सकती है तो न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, कैप्टन केन और मार्टिन गपटिल के खिलाफ ये जिम्मेदारी बेहद मुश्किल होगी। वेस्टइंडीज़ की मुख्य ताकत साफ तौर पर उनकी बैटिंग है, मगर शाई होप के अलावा उनके अन्य बल्लेबाज कुछ खास फॉर्म में लग नहीं रहे हैं। मगर वो अपनी पूरी काबिलियत से बैटिंग करे तो एक विशाल स्कोर पोस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो अच्छी साझेदारियाँ को अंजाम दें और अपने विकेट्स लंबे ओवर्स के लिए बचा कर रखें। तो वेस्टइंडीज़ की बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड से लंबी और ज़्यादा आक्रामक है, मगर पिछले मैचेस को ध्यान में रखा जाए तो अभी तक वो कोई खास कारनामा कर नहीं पाई है। न्यूजीलैंड साफ तौर पर इस मैच में पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, मगर दोनों परिस्थितियों में उनकी जीत का पलड़ा भारी रहेगा। जो भी हो दोस्तों, एक बेहद रोमांचक मैच की उम्मीद रख सकते हैं हम। इस मैच के परिणाम को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। धन्यवाद।